और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बिहार से राज्यसभा सीट को लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किए जाने की खबर मिल रही है। बीजेपी कोटे से मनन कुमार मिश्रा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, मनन मिश्रा का नाम घोषित किया गया है। तो कौन है मनन मिश्रा, ये सवाल भी होगा। तो आपको बता दें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं मनन मिश्रा। उन्हें पार्टी ने बिहार के खाली हुए राज्यसभा सीट से बतौर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। और जो समीकरण है उससे ये स्पष्ट है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर लेगी। राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे मनन मिश्रा को पार्टी ने राज्यसभा भेजने का बिहार से फैसला लिया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोटे से मनन कुमार मिश्रा पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जो बिहार के खाली हुए राज्यसभा सीट पर बतौर बीजेपी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सहयोगी अंकित से पूरी जानकारी लेते हैं। अंकित, बिहार से बीजेपी के लिए राज्यसभा उम्मीदवार कौन होंगे, इसकी घोषणा कर दी गई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, अब उन कयासों पर अटकलों पर विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 8 राज्य हैं उनमें राज्यसभा सांसदों की जो प्रत्याशियों को मैदान में उतारना था, ऐसे में अगर हम बात करें, बिहार से मनन कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा गया, वहीं आसाम से मिशन रंजन दास को उतारा गया है और श्री रामेश्वर तेली को उतारा गया है। बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से श्रीमती ममता मोहंता और राजस्थान से सरदार नवनीत सिंह बिट्टू, जो भी केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, त्रिपुरा से राजीव सिंह भट्टाचार्य चीज को, इन सभी को राज्यसभा बीजेपी ने भेजा गया। अगर मनन कुमार मिश्रा के कैरियर पर प्रकाश डालें तो वो बिहार स्टेट बाउंड काउंसिल चुनाव में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और तकरीबन 1989 से वह पहली बार बिहार स्टेट के बाउंड काउंसिलिंग के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उसके बाद लगातार 7वीं बार भी चुने गए, 2010 में बीसीसीआई के सदस्य और 2012 में चेयरमैन बने, जिस पर लगातार 6 टर्म का कायम किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो विश्वास जताया राज्यसभा सीट को लेकर, वो कहीं ना कहीं मनन कुमार मिश्रा पे जताया, क्योंकि अब आगामी समय में जो भी नजदीक में चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं मनन कुमार मिश्रा का जो एक कैरियर रहा है बार काउंसिलिंग सदस्य के रूप से लेके और जो तमाम राजनीतिक क्षेत्र रहे हैं उनमें एक लंबा कैरियर रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व तो कहीं ना कहीं जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं जो भरोसा और विश्वास जताया है वो मनन कुमार मिश्रा के नाम पर जताया है। दीपक, धन्यवाद अंकित तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी कोटे से मनन कुमार मिश्रा बिहार में खाली हुए राज्यसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं मनन मिश्रा और काफी लंबा सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहा है इनका। कशिश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।